दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स कुक विद कालिंदी में, जहाँ पे हम आपके लिए अलग अलग तरीके की वेजिटेरियन रेसिपीज लेकर आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन को ज़रूर हिट करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें। तो हमारी आज की रेसिपीज़ है एक स्पेनिश डिश, चूरोस विथ हॉट चॉकलेट। तो चलिए शुरू करते हैं चूरोस बनाना। ये बहुत ही शानदार डिश है। ये बेसिकली एक स्पेनिश स्वीट डिश है। वैसे तो ये यूरोप के बाकी शहरों में भी और देशों में बहुत पसंद किया जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में लेते हैं लगभग 1.5 कप पानी। ये मैंने 1 कप लिया। इसके बाद हम 1/2 कप और ले लेते हैं और इसको हम बॉईल करेंगे। लेकिन उसके पहले हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा मक्खन। मक्खन मैंने, आप देख सकते हैं कितना बड़ा लिया है। और ये अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ करते हैं तो आप सॉल्ट डालेंगे, और अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो आप सॉल्ट मत डालिएगा। इसमें थोड़ा सा अनसॉल्टेड बटर पड़ता है तो फिर सॉल्ट थोड़ा सा डालते हैं। तो ये मैंने डाल दिया है मक्खन इसमें। आप चाहें तो टुकड़े कर देंगे तो जल्दी पिघल जाएगा। उसके साथ मैं 1/4 टीस्पून इसमें नमक डाल रही हूँ और इसके साथ मैं 2 टीस्पून शुगर का डालूँगी। तो ये 1 टीस्पून हुआ और ये दूसरा। अब इसको हम उबलने देते हैं। तब तक हम चलते हैं अपने मैदे को छान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है मैदा, यानी ऑल पर्पज़ फ्लावर। उसमें मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डालना है। और इसके बाद इसको अच्छे से छान लेना है। ये सब मिक्स हो गया। अब इस पानी को देखते हैं, पानी अगर उबलता होगा। ये पानी हमारा उबल रहा है तो मक्खन भी अच्छे से पिघला देंगे, तोड़ देंगे थोड़ा सा। सब अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए आपका। तो ये हमारा मिक्स हो गया है ऑलमोस्ट। अब इस स्टेज पे हम इसमें अपना मैदा डाल देंगे और लगातार चलाते रहेंगे, अदरवाइज इसमें बहुत गुठलियाँ बन जाएंगी। इसको चलाते हुए पकाएंगे। आँच जो है आपका फ्लेम मीडियम रखिएगा ताकि वो चिपके ना। हो सके बेहतर होगा नॉनस्टिक बर्तन लेना। और देखिए ये सब मिक्स तो हो गया बट इसमें थोड़ी सी लम्स है, तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे चलाते हुए। बेसिकली इस स्टेज पे जहाँ हम लोग अंडा नहीं यूज़ करते हैं इसलिए बेकिंग पाउडर डाला गया है। लेकिन इस स्टेज पे एग्स पड़ते हैं और एग्स के कारण ये बहुत फ्लफ़ी होता है। मैंने बेकिंग पाउडर इसीलिए डाला ताकि ये फ्लफ़ी बने। अगर आप एग्स खाते हैं तो आप बेकिंग पाउडर मत डालिएगा। उसकी जगह पे इसमें 3 अंडे डाल सकते हैं जिसके कारण ये बहुत फ्लफ़ी होता है। और ये हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो फॉर्म में आ गया है। अब हम एक प्लेट में लेते हैं थोड़ी सी पीसी हुई चीनी, पाउडर शुगर। तो आप इसमें 2 चम्मच पीसी हुई चीनी ले लीजिए और 1/2 चम्मच सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसको हम यूज़ करेंगे जब हम चूरोस बना लेंगे तो उसकी कोटिंग करने के लिए। तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया और इसको अब हम साइड में रख देंगे और लेते हैं एक पाइपिंग बैग। पाइपिंग बैग आप 2 लगाएं एक साथ, क्योंकि चूरोस को जब हम पाइपिंग आउट करेंगे तो हो सकता है ये फट सकता है, क्योंकि मैदा थोड़ा हार्ड होता है स्क्वीज़ करने में। और नहीं तो आप इसकी जगह पे कोई भी मोटी पॉलीथीन यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिफाइंड ऑयल का हो, दूध का हो। तो ये मैं अभी आपको पाइपिंग बैग में भर के दिखा रही हूँ। और इसके बाद मैं
उसमें भी करके दिखाऊंगी। एक रिफाइंड का मैंने लिया था पॉलीथीन, और उसमें बहुत इजी होता है, आपको प्रेशर देने पे फटने का डर भी नहीं होता है। देखिए ये धीरे धीरे मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ ताकि ये फटे ना, और वो हल्का गर्म हो तभी आप इसको बनाना शुरू करें। और साथ ही में मैं तेल रख लेती हूँ गर्म होने के लिए। अब ये देखिए, इसको धीरे धीरे ऐसे स्क्वीज़ करना है, और फिर चाकू या कैंची की मदद से आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बना के इसको छोड़ दें। फ्लेम को मीडियम ही रखना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। अगर आप, मैंने स्टार नोज़ल यूज़ किए हैं, लेकिन अगर आप नोज़ल नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, मतलब आपके पास नहीं है, तो आप डायरेक्ट बस एक पॉलीथीन में एक छोटा सा कट लगा के जितना मोटा आप चाहिए आप उससे भी निकाल सकते हैं। और अगर स्टार शेप बहुत अच्छे से नहीं निकल पा रहा है आपका, तो आप इसको पहले किसी बर्तन पे निकाल लें और थोड़ा सा कूल डाउन होने के बाद इसको तलें। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए, ये मैंने बेकिंग ट्रे में कुछ निकाल के रख लिए हैं, और इसके बाद मैं, ये देखिए कितना है, कितना क्रंची है। ऊपर से ये बहुत क्रंची है, अंदर से बहुत फ्लफ़ी है। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे तैयार करके रख लिए हैं। अब देखिए, इस तरीके से आप गरम में ही कोट कर लेंगे। और अगर इससे ज़्यादा लगे तो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो मैं एक छन्नी लूँगी, उसमें मैंने जो सिनेमन पाउडर और पाउडर्ड शुगर का मिक्सचर था उसको मैं ऐसे सीव कर दूंगी, तो ये सब तरफ से कोट हो जाएगा, और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चूरोस का। मेरा नोज़ल बहुत छोटा था तो ये पतले पतले चूरोस बने हैं। अगर आपका बड़ा नोज़ल हो तो उससे बहुत ही अच्छे मोटे चूरोस बन सकते हैं। अब इसको सर्व करने के लिए हम एक ट्रे में या फिर किसी भी प्लेट में आप इसको रख लें। ये हमारे चूरोस तैयार है। अब इसके लिए हम लोग बनाते हैं हॉट चॉकलेट। तो हॉट चॉकलेट के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में थोड़े से, मैं बहुत इजी वे में बता रही हूँ ये, थोड़े से मैं डार्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। डार्क चॉकलेट नहीं है तो फिर आप डेरी मिल्क या ऐसा कोई सिंपल चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हॉट चॉकलेट देखने की रेसिपी चाहिए जो कि कोको पाउडर से बनती है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं, मैं उसकी रेसिपीज पे शेयर करूँगी। तो फिलहाल हम थोड़े से हॉट चॉकलेट ले लेते हैं, और उसके साथ मैंने थोड़ा सा डेरी मिल्क भी यूज़ कर लिया है। ऐसे हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के रख लेंगे। आप कंपाउंड चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा दूध गर्म करते हैं। दूध मैंने ले लिया यहाँ पे आधा कप, और इस गर्म दूध को मैं इसमें पोर कर देती हूँ। एक मिनट के लिए इसको छोड़ दे रेस्ट करने के लिए, वो अपने आप मेल्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। फ़िलहाल दूध बहुत गर्म है तो मैं अभी भी मिक्स कर सकती हूँ। तो ये देखिए, देखिए चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो गया है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारा हॉट चॉकलेट बनके तैयार है, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसको हम एक किसी भी कटोरी या फिर छोटे ग्लास में आप इसको सर्व कर सकते हैं, कप में भी आप सर्व कर सकते हैं। और ये रहा हमारा चूरोस, उसके साथ हॉट चॉकलेट, a very special recipe, enjoy। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, और कैसा लगा बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इन चूरोस को बताते समय मुझे क्या क्या तकलीफ़ें आईं
और इसके लिए क्या टिप्स होने चाहिए। तो इस तरह के हैं कि देखिए, ये जब मैं डाल रही थी तो पहली बात कि ये बहुत हार्ड होने के चलते ये फट सकता है, तो आप कोशिश करिएगा कि किसी मोटे पॉलीथीन या फिर मोटे पाइपिंग बैग का यूज़ करें या फिर दो पाइपिंग बैग का यूज़ करें। दूसरी बात, आपका डो जो है वो बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, आपको मैदा डालते ही फ्लेम ऑफ कर देना है, उसके बाद आप उसको उसी में नीट करें और एग डालना है तो एग डालें। तीसरी बात कि ये आपस में डालते समय देखिए एक साथ चिपक जा रहे हैं, तो कम कम डालें, तेल में धीमी आंच पे पकाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिए।